अभय चौटाला ने भी आप पे दोबारा से आरोप लगाया कि राजेंद्र देसू जो था फिर नशे के आरोप थे उनको भाजपा ने दोबारा से शामिल कर दिया। ऐसा है जी, मैं उन परिवार का, मैं जो चौटाला परिवार है उनको बिल्लू भाई साहब को बोलने से पहले ना सोचना चाहिए। 2019 में मैं उन्हीं का कैंडिडेट था और गांवों में उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने गलत आरोप लगा दिए, बेचते तो कोई और है, देसू जो था पाक साफ है। अब वो कह रहा है कि ये छोटा सा नेता है और उनको दर्द तो ये है कि मुख्यमंत्री चल के देसू जोधा को उन्होंने बोला उसने कि मुख्य कितना का बड़ा नेता था, भी बताना क्या नाम है उनका। और जिस आदमी ने मेरे लिए 3 दिन प्रचार किया हो वो मेरा नाम नहीं जानता, वो सब स्टंट हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, मैं जब छोटा सा था और सरकार थी, उन्हीं की सरकार थी, और जिस तरह से आलू गंडे बिकते थे ना गांवों में, आलू लो गंडे लो, तो तब ये कहते थे लोग पोस्त लो पोस्त लो पोस्त लो, इस तरह का जो इस इलाके में सिस्टम था। और जो लोगों ने नशे को इस इलाके में पैदा किया हो वो देसू जोधा के बारे में बोलते हैं, जिसने कभी देखा भी नहीं नशा, तो बड़ी शर्म की बात है। विकास कार्यों को अभी आप जिक्र कर रहे थे, कौन कौन से ऐसे कार्य रह गए थे जो आप अपने समय में नहीं करवा पाए? मेरे समय में जितनी बड़ी लिस्ट थी 100% मैंने सारे के सारे काम करवा दिए हैं। और अब जो नई लिस्ट बनी है जिसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो पानी की समस्या के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से 3 बार मिल लिया, उन्होंने हाँ कर दिया कि जल्दी इलेक्शन से पहले पहले जो पानी की समस्या है वो हल हो जाएगी। हमारा जहाँ कॉलेज है, कॉलेज जब हमने बनाया था तो कॉलेज में हमने सीटें बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को, उन्होंने वो भी बात मान ली है। हमारी जहाँ पर सब डिवीज़न बनी है उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, वो भी मैंने बात कर ली। जल्दी से जो उसकी बिल्डिंग है उसका नींव पत्थर माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। और भी कई काम हैं, वो सारे के सारे काम जो मुझे जनता कहेगी, मुख्यमंत्री का दिल है वो बहुत बड़ा दिल है, जो मैं कहूँगा जहाँ सरदार बलकौर सिंह जी कहेंगे हम मिलकर काम भर करेंगे और सारे काम मंडी के करवाएंगे। आप कह रहे थे कि जो कांग्रेस के विधायक हैं शिवपाल खेर बालाजी, वो विकास कार्यों में बार बार बाधा डाल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि शीशपाल केहरवाला को माननीय मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री पहला बीजेपी में ही मिल सकता है जिन्होंने विपक्ष के जो एमएलए हैं उनको भी पैसा दिया, 5 करोड़ रुपया हर साल दिया, एक कोरोना का एक साल में नहीं रहा तो 4 साल में 20 करोड़ रुपया उनको दिया। तो शहर वाले लोगों से आप पूछो, गांव वालों लोगों से पूछो, उन्होंने जो खुद के कार्यकर्ता थे ना गांव में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन लोगों की उन्होंने गलियां बनाई, उन लोगों को उन्होंने काम करवाए। आम जनता के लिए एक भी गली एक भी ईंट उन्होंने नहीं लगवाई। और जो शहर की बात थी, जो 15 करोड़ रुपया जो शहर में आया था तो उसको सही तरीके से लगवाना वो धर्म एमएलए का था, परंतु एमएलए ने चेक किया और काम रुका, परंतु अगले दिन पता नहीं क्या सेटिंग हुई, अगले दिन काम फिर दोबारा चालू हो गया। तो मैं कहता हूं कि उसने 5 साल में कुछ नहीं किया। वो गुल्ला चिखा वाले बाजीगर की अभी आपने पोस्ट की बात की, तो वो कौन से नेता हैं जो शेयर करवा रहे हैं काला वाले की, बता रहे? वो इसी का दलाल है एक, और मैं नाम तो क्या ऐसे आदमियों का, तो मैं मुंह से नाम भी लेना चाहता। अब वो उनकी एक चाल है, एक टीम बनी हुई है सोशल मीडिया की, उसमें वो अलग अलग लोगों को कह के ये कह रहे हैं कि आप इसको प्रचार करो देसू जोधा के खिलाफ, परंतु वो सारा प्रचार, अब हर बच्चे बच्चे को पता है कि देसू जोधा पर गलत रोप लगाकर टिकट काटी गई है। देसू जोधा हमारा भाई है और एक देसू जोधा ही ऐसा आदमी है जो कालावाड़ी में नशे को जड़ से ख़त्म कर सकता है। मैं वादा करता हूँ, सारी पंचायत खड़ी है, जिस दिन मेरे हाथ में कलम आ गई ना, नशे का नामो निशान कालावाड़ी हल्के में नहीं रहेगा। पहले से ही आप कह रहे हो कि पहले काम करवाओ उसके बाद वोट दो, तो ये काम भी पहले हो सकता है नशे वाला? नशे के खिलाफ है जो हम जंग लड़ रहे हैं, परंतु जो ना अपने पुलिस महकमा है या आम लोग हैं, जब कोई जनप्रतिनिधि हो तो उसकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करता है, और उसमें सारी सरकार का भी हमें सहयोग लेना पड़ेगा, आम लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा, युवाओं का भी सहयोग लेना पड़ेगा। और मैं हर गांव में जो युवाओं के लिए जैसे जिम है, जैसे बड़े बड़े 5-10 गांवों में मैं स्टेडियम खुलवाऊंगा,
और उनके लिए जो मेन बात है रोज़गार पैदा करना। जब रोज़गार हमारे बच्चों को मिल जाता है, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाती है, तो उसके बाद वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मैं रोज़गार पैदा करूँगा। जहाँ बीजेपी के ने पैसा दे दिया, परंतु विधायक व पक्ष का था, तो उसने जो उसकी राखी करनी थी वो सही तरीके से नहीं करी, उसका वो मिल गया ठेकेदारों से।